हेलो नमस्ते माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सोशल वर्क चैनल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं सोशल वर्क के करियर अपॉर्चुनिटी की। इसी में आज हम बात करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी आई है फॉर एडवर्टाइजमेंट फॉर द फिलिंग ऑफ द पोस्ट ऑन ड्यूटेशन बेसिस एंड शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये गवर्नमेंट जॉब है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में है। तो चलिए बिना किसी देर के डिटेल में देखते हैं और समझते हैं वीडियो के एक एक चीज़ को, वैकेंसी के बारे में, किसे कौन अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं और सब कुछ जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और सोशल वर्क के हैं तो डेफिनेटली ये चैनल आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आप एक भी वीडियो मिस नहीं कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे ही बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी कोई नई अपलोड्स हो, ताकि आप एक भी वैकेंसी मिस ना करें। अगर आप जाएंगे मेरे प्लेलिस्ट में तो आपको बहुत सारा प्लेलिस्ट दिखेगा, वहाँ से भी आप एक आइडिया बना सकते हैं सोशल वर्क में करियर अपॉर्चुनिटी की। आपने जस्ट MSW किया है या BSW किया है, सोशल वर्क से जस्ट ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और या फिर एडमिशन ली है और आपको नहीं पता है सोशल वर्क में करियर अपॉर्चुनिटी क्या है और कहाँ है, तो डेफिनेटली ये चैनल ज़रूर देखिए। चलिए अब डिटेल में देखते हैं। दिस इज़ अ एडवर्टीजमेंट विच इज़ रिलीज बाय द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे नेम है, काफ़ी अच्छा ऊंचा पोस्ट है, जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। जैसे कि नेम ऑफ द पोस्ट है एडिशनल डायरेक्टर, डायरेक्टर लेवल का पोस्ट है, काफ़ी एक्साइटिंग है, तो काफ़ी अच्छी इसके लिए सैलरी भी मिलने वाली है। एक एक चीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट की। पोस्ट है एडिशनल डायरेक्टर की, AD का पोस्ट है और इसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी एक ही, क्योंकि डायरेक्टर लेवल का वैकेंसी है तो वैकेंसी भी एक ही है। और यहाँ पे जो एज लिमिट है वो 56 ईयर है। तो यहाँ पे पे स्केल 13 है, लेवल 13 है, जो प्री रिवाइज जो ग्रेड पे है वो 8700 है, काफ़ी अच्छा है। अदर होल्डिंग, जो एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, इस तरह की वैकेंसी में जो एलिजिबिलिटी होता है वो इसमें वर्क एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पे या तो ऑलरेडी आप किसी वर्क में हो, जैसे कि ऑफिसर होल्डिंग एनालोगस पोस्ट होना चाहिए, या फिर ऑफिसर इन द पे बैंड, अगर आप 15,600 से लेकर 39,100 जो PV3 होता है, ग्रेड पे जो 7600 होता है, यानी कि 7,600, इस पर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हो विथ 5 ईयर ऑफ सर्विस इन द ग्रेड विथ अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स, यानी कि इस तरह के ग्रेड पे आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर साथ में आपके पास मास्टर डिग्री हो सोशल साइंस के किसी भी स्ट्रीम से, सोशल वर्क के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एजुकेशन के, या बिहेवियर साइंस के, होम साइंस के, सारे ये 5 डिपार्टमेंट के स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में उनके पास MSW के साथ साथ कम से कम होना चाहिए 15 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिसर्च और ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क, सोशल वेलफेयर, चाइल्ड डेवलपमेंट विथ एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन एन एकेडमिक इंस्टीट्यूट। यानी कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए वो 15 साल का होना चाहिए अगर आपने MSW किया है तो। और वो वर्क एक्सपीरियंस क्या हो सकता है, किसी भी रिसर्च बेस्ड जॉब हो सकता है, सोशल वेलफेयर के फील्ड में, सोशल वर्क के फील्ड में, चाइल्ड डेवलपमेंट के, या फिर किसी भी तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में जो कि इन सब रिलेटेड टॉपिक्स पे काम करती है, इस तरह का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर आपके पास जो यहाँ दिए गए इस ग्रेड पे 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये एलिजिबिलिटी है और आप सोशल साइंस के किसी भी स्ट्रीम से मास्टर डिग्री किए हुए हैं तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट जो वैकेंसी वो ज्वाइंट डायरेक्टर की, यानी कि रीजनल डायरेक्टर की, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ वैकेंसी ओनली 1 है और इसके लिए आपके पास होना चाहिए मिनिमम, मतलब कि 56 ईयर्स से अगर आप एक्सीड कर चुके हैं, उससे ज़्यादा एक एज के हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी कि मैक्सिमम एज लिमिट ही 56 ईयर है। और यहाँ पे जो पे स्केल पे मैट्रिक्स होगा लेवल 15 है, जो ग्रेड पे 7600 का है। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे भी सेम उसी तरह से है, आप ऑलरेडी किसी अच्छे पोस्ट पे, यानी कि ग्रेड पे वाले पोस्ट पे, जिनका पे बैंड ये हो, उसमें आपके पास होना चाहिए 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस, या फिर आप मास्टर डिग्री किए हो सोशल साइंस के किसी भी स्ट्रीम से, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है होम साइंस, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, साइकोलॉजी, एजुकेशन, सोशोलॉजी, सोशल वर्क, वुमेन स्टडी, चाइल्ड डेवलपमेंट, एंथ्रोपोलॉजी, ऑपरेशनल रिसर्च इंक्लूडिंग स्टैटिस्टिक्स एंड द प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन एज पर द रिक्वायर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूट। यानी कि आपके पास वाइड रेंज ऑफ यहाँ पे डिपार्टमेंट्स वगैरह दिया है, जैसे कि सोशल वर्क के साथ साथ और भी कई सारे डिपार्टमेंट्स वगैरह दिए गए हैं, इन सब में अगर आपने मास्टर्स किया है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास अगर डॉक्टरल डिग्री है
वो यहाँ पे होना इम्पॉर्टेंट है। इसको पीएचडी वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे दिया है 15 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ट्रेनिंग एंड टीचिंग एट द डिग्री लेवल एंड द रिसर्च एंड एडवोकेसी विच 5 ईयर्स शुड बी द सीनियर सुपरवाइजरी लेवल है। यहाँ पे सीनियर सुपरवाइजरी लेवल पे आपका 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो टोटल इस तरह का एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इफ़ यू आर एलिजिबल और यू वांट टू बी ए डिप्टी डायरेक्टर, सो आप यहाँ इस तरह से पोस्ट के थ्रू, अप्लाई के थ्रू आप जा सकते हैं। साथ में यहाँ कई सारा पोस्ट है आप देख सकते हैं, जिसको भी आप अदर जो स्टूडेंट हैं जो कि दूसरे सब्जेक्ट्स के हैं वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैथमेटिक्स या फिर आपने मास्टर डिग्री किया है स्टैटिस्टिक्स के, तो वो भी स्टूडेंट के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई। हम बात करते हैं सोशल साइंस की, सोशल वर्क की, तो हमने यहाँ पे दो पोस्ट बता दिया। यहाँ पे कुछ अलग इंस्ट्रक्शन दिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दिस पोस्ट, जैसे कि मैक्सिमम एज लिमिट 56 ईयर है और जो लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जानना जरूरी है, 45 डेज़ है। तो ये जो फॉर्म है वो 30 नवंबर को आया था, उससे 45 डेज़, यानी कि आप 15 जनवरी तक इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो रिक्रूटमेंट होगा वो फॉर द पीरियड ऑफ डिप्टेशन बेसिस पे होगा, फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, और उसको फिर एक्सटेंडेबल किया जा सकता है 3 साल के लिए, 3 ईयर्स के लिए। इस तरह से ये वैकेंसी है। आगे आपको अगर अलग अलग पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है और दोनों के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको अप्लीकेशन फॉर्म, सेपरेट अप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा अलग अलग इन्वेलप पे, जिसके ऊपर आपको लिखना है अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, इस तरह से कुछ इस तरह से आपको लिखना है। और आपको अप्लाई करने के बाद पूरा यहाँ पे एड्रेस दिया गया, उस एड्रेस पे आपको सबमिट करना है। इस एड्रेस को जरूर ध्यान में रखिए, इस एड्रेस पे आपको अप्लीकेशन सेंड करनी है। चूँकि ये जो पोर्टल है ये ऑनलाइन आपको इसका पूरा मिल जाएगा फॉर्म, आप इसके वेबसाइट पे जाके इसका ऑनलाइन जो फॉर्म है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करके उसको फिर सेंड कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट, आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये परफॉर्मा है। ये वैकेंसी आई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट में निपसिड बोलते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर ऑर्गेनाइज एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके उसके अंडर काम करती है। तो इस तरह से आपको फॉर्म में अपने सारे डिटेल्स अप्लाई करने हैं, भरने हैं और उसे फिर सेंड कर देना है, साथ में अटैच करना है जितना भी आपका टेस्टिमोनियल्स है वो। दिस इज़ ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नेफसिड। उसमें जाकर आप रिक्रूटमेंट और वैकेंसी के पेज पर भी जाके खुद से इस फॉर्म को देख सकते हैं, जिसमें आपको सबसे ऊपर यहाँ पे डेट ऑफ इशूइंग दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया है, इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई डाउट है सोशल वर्क से जुड़ा हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों मैं बहुत जल्द ही और भी कुछ नया करने की कोशिश करूँगी, जिससे आप सभी को हेल्प मिले। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।